गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 44 चैप्टर 3। इससे पहले हमने आपको रेयॉन नायलॉन के बारे में बताया था, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स आल्सो नोन एज द लाइक्रा इज अ लॉन्ग चेन सिंथेटिक पॉलीमरिक फाइबर। इट इज सॉफ्ट एंड रबर लाइक एंड ऑल्सो अलाउ द फाइबर टू स्ट्रेच। अ लॉट ऑफ देम रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप। द हाई इलास्टिसिटी ऑफ द फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फैब्रिक इज सुटेबल फॉर मेकिंग क्लोथ्स विच रिक्वायर अ बॉडी हैविंग फिट लाइक स्विमिंग कॉस्ट्यूम अंडर गारमेंट शर्ट एक्सेट्रा। स्पेंडेक्स को हम लोग लाइक्रा भी बोलते हैं, तो स्पेंडेक्स का एक और नाम है लाइक्रा। ये लॉन्ग चेन सिंथेटिक पॉलीमेरिक फाइबर है। मैंने आपको इससे पहले पॉलीमर के बारे में बताया था, जब बहुत सारी यूनिट्स को आपस में टुगेदर कर दिया जाता है तो उनको बोलते हैं पॉलीमर, मतलब इसमें बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ी हुई होती है। तो ये सिंथेटिक पॉलीमेरिक फाइबर है, सॉफ्ट होता है, रबर लाइक होता है, मतलब आप इसको वॉक खींचिए, स्ट्रेच करिए तो वापस थोड़ी देर स्ट्रेच होने के बाद, अगर आप इसको छोड़ देंगे स्ट्रेच करने के बाद, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इसीलिए इसका यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है क्लोथ्स में, जो हमारी बॉडी से बिल्कुल टाइट कपड़े पहने जाते हैं, जैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स हो गए, अंडर गारमेंट्स हो गए, शर्ट्स हो गए, जो बिल्कुल टाइट बिल्कुल बॉडी शेप के रहते हैं, तो उसमें स्पेंडेक्स का यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैब्रिक यूज होते हैं। फर्स्ट है हमारा रेयॉन। रेयॉन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और इसके यूजेस देखेंगे। फर्स्ट है रेयॉन। रेयॉन रिजेंबल सिल्क इन अपेरेंस एंड टेक्सचर एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ये बिल्कुल सिल्क जैसा दिखता है अपेरेंस में भी और टेक्सचर मतलब टच करने में भी, और ये मॉइस्चर को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए रेयॉन सिंथेटिक फाइबर होते हुए भी इसका बहुत ज्यादा कॉमन यूज है। यूज क्या है, शर्ट्स, ड्रेस मटेरियल, बेड लिनन, कारपेट्स वगैरह बनाने में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। शर्ट्स, ड्रेस मटेरियल एंड द बेड के कवर एंड द कारपेट्स के। नायलॉन, नायलॉन, नायलॉन इलास्टिक है, लाइट वेट है, लस्ट्रस है एंड इजी टू वॉश है, मतलब इसमें इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, वेट इसका बहुत लाइट है, लस्टर है मतलब शाइनी सरफेस है एंड वॉश करने में बहुत ज्यादा इजी है। क्लोथ्स बनाए जाते हैं इससे, रोप्स बनाई जाती है, सॉक्स एंड पैरासूट। तो इसकी मेकिंग, इसका यूज है मेकिंग ऑफ क्लोथ्स, रोप्स, सॉक्स एंड अ पैरासूट। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का क्या यूज है, पॉलिस्टर के देखिए कैरेक्टर है रिंकल रेजिस्टेंट, मतलब पॉलिस्टर में रिंकल नहीं आते हैं, आप इसको कितना भी वॉश करिए पॉलिस्टर में रिंकल नहीं आते, रोई नहीं आते, लाइट वेट है एंड इलास्टिक है। इसको मिक्स करके मिक्स में नेचुरल फाइबर लाइक ऊन, सिल्क एंड कॉटन टू मेक फैब्रिक। इसको दूसरे नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स करके हम बहुत अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक बनाया जा सकता है उससे, और उसमें बहुत ज्यादा क्वालिटीज आ जाएंगे जब इसको नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स करके ब्लेंड करके बनाया जाता है। एक्रेलिक, एक्रेलिक रिजेंबल्स वूल एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर, केमिकल्स और बैक्टीरिया। जो एक्रेलिक होता है बिल्कुल वूलन जैसा लगता है और इस पर मॉइस्चर का, केमिकल का एंड बैक्टीरिया का कोई अफेक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है सॉक्स, शॉल एंड द स्वेटर को मेकिंग करने में। स्पेंडेक्स सॉफ्ट रबड़ी, सॉरी बिल्कुल रबर लाइक होता है, सॉफ्ट होता है, रबर लाइक होता है, रबड़ी होता है एंड हाईली इलास्टिक होता है। सॉफ्ट, रबर लाइक एंड हाईली इलास्टिक, इसीलिए इससे बनाए जाते हैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम एंड द शर्ट्स। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर आर इंडिस्पेंसेबल इन प्रेजेंट डे लाइफ बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड कैपेबिलिटीज। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रॉड रेंज ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट एंड इन्यूमरेबल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। द डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद सिंथेटिक फाइबर इज देयर नॉन बायोडिग्रेडेबिलिटी इन एडिशन टू देयर हाइड्रोफोबिक नेचर। सिंथेटिक फाइबर आजकल की प्रेजेंट एज लाइफ में जो इस समय लाइफ चल रही है उसमें इसकी प्रॉपर्टी एंड इसकी कैपेबिलिटी के कारण इसका यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। इसीलिए इसका
ब्रॉड रेंज में जो टेक्सटाइल फैक्ट्री है सिंथेटिक फाइबर का बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर कर रही है। इसके प्रोडक्ट बहुत पसंद किए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ऐसी क्वालिटीज हैं और इसकी चीप, इसका जो एक्सपेंसिव नहीं है, इसकी जो रेट है बहुत चीप है, ये सबके बजट में आ जाता है। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे ये हाइड्रोफोबिक है, नेचर में है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब डिकम्पोज नहीं होता है, ब्रेकिंग डाउन नहीं होता है, नेचर में जैसे कि तैसा पड़ा रह जाता है, ब्रेकिंग डाउन नहीं होता है अपने ऑर्गेनिक मैटर में, इसीलिए ये क्या होता है, क्लीनिंग एनवायरनमेंट क्लीनर नहीं है, एनवायरनमेंट को हार्म करता है। तो अभी हमने आपको बोला कि इसमें हाइड्रोफोबिक नेचर है, तो वॉट इज हाइड्रोफोबिक नेचर? देखिए, फोबिया मतलब होता है डर, किसी भी चीज़ से डर है तो हम उसके पास नहीं जाएंगे, तो वही है। हाइड्रोफोबिक नेचर मीन्स होता है द नेचर ऑफ सब्सटेंस टू रिपेल एंड नॉट बीइंग एबल टू एब्जॉर्ब वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन्स होता है पानी, वाटर, एंड फोबिक मतलब उससे डर, मतलब वाटर से रिपेल नहीं करेंगे, वाटर के साथ कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे, उसके साथ मिक्स नहीं होंगे। तो द नेचर ऑफ सब्सटेंस टू रिपेल, ये वाटर को रिपेल कर देता है, अट्रैक्ट नहीं करने होता और उसके साथ मिक्स नहीं होता, तो वाटर इस इन क्लोज में वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है। वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता मतलब स्वेट भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, स्वेट एब्जॉर्ब नहीं होता इसीलिए हमारे समर सीजन में बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होता, क्योंकि स्वेट एब्जॉर्ब नहीं होता तो हमें अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर हाउ मेनी एडवांटेज विच आर समराइज बिलो। ये हमारे सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट इज द फाइबर हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, अ प्रॉपर्टी ड्यू टू द विच स्टैंड हैवी लोड्स विदाउट ब्रेकिंग। देखिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब होता है ये खुद बिना ब्रेक किए हुए किसी भी हैवी लोड को उठा सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज है द फैब्रिक है इलास्टिसिटी, अ प्रॉपर्टी बाय विच दे रिटेन देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग। इसमें इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी मीन्स होता है अगर आप इसको स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, दबाएं तो वापस जब उसको हम कंप्रेस करना और स्ट्रेच करना लीव कर देंगे तो ये क्या अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। तो जैसे ही आपको स्ट्रेच या कंप्रेस करना छोड़ देंगे तो वापस जैसे रबर को हम कितना भी खींचे उसके बाद अगर आप उसको छोड़ दीजिए तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी।